फ्रेंड्स, मेरा ये मानना है कि इस वीडियो को देखने वाले सभी व्यूअर्स टीचर्स हैं या ट्रेनर्स हैं। चाहे टीचिंग उनका प्रोफेशन है या ट्रेनिंग देना सिखाना उनकी नेचर और अच्छी आदत है। इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आपको भगवान श्री कृष्ण जैसा शिक्षक और अर्जुन जैसा शिष्य के रूप में देखना चाहता हूँ। मुझे 1990 की घटना याद आ रही है। उस समय मैं सह परिवार इंग्लैंड में PhD कर रहा था। मेरी मुलाकात जेरल्ड हेंडरसन से हुई। जेरल्ड हेंडरसन जी मोरल रीआर्ममेंट कैंपेन से जुड़े हुए थे। एक दिन मिस्टर हेंडरसन बोले कि डॉक्टर राखा, आप हमारे इस मिशन में जुड़ जाइए और समाज में मोरल वैल्यूज के प्रचार प्रसार के काम में आप अपना योगदान दीजिए। मेरा कहना था कि मैं खुद एब्सोल्यूट मोरल वैल्यूज नहीं रखता हूं, मुझ में कुछ कमियां हैं। जब तक मैं परफेक्ट नहीं हो जाऊं, मुझे कोई अधिकार नहीं कि मैं औरों को मोरल वैल्यूज के बारे में बताऊं, शिक्षा दूं। मिस्टर हेंडरसन ने मुझे एक सर्जन का एग्जांपल दिया। उन्होंने बताया एक सर्जन की ये ड्यूटी है कि वो ऑपरेशन करने से पहले अपने आप को इन्फेक्शन फ्री कर ले। एक तरह से अच्छे तरह से अपने हाथों को धोना होता है, बिल्कुल क्लीन इन्फेक्शन फ्री कपड़े, एप्रन, कैप, ग्लव्स, मास्क सब लगाना होता है, ताकि वो जब ऑपरेशन कर रहा हो, पेशेंट को ओपन कर रहा हो, तो उसमें बाहर से कोई इन्फेक्शन इंट्रोड्यूस नहीं कर पाए। उन्होंने कहा, अब इमेजिन करिए उस सिचुएशन को कि इमरजेंसी ऑपरेशन टेबल पे लाया गया है और सर्जन को उसका ऑपरेशन करना है। सर्जन अपने हाथों को बहुत अच्छे से धो रहा, बहुत अच्छे से बार बार धो रहा है, ताकि वो कम्प्लीटली परफेक्टली क्लीन और इन्फेक्शन फ्री हो जाए। अच्छे कपड़े, बिल्कुल स्टेराइल, साफ सुथरे अच्छे से पहन के, अपने मास्क लगा के, कैप पहन के, ग्लव्स पहन के वो तैयारी कर रहा है। ऑपरेशन की तैयारी इतनी लंबी हो जाए कि वो पेशेंट जो टेबल पर वेट कर रहा है उसको बहुत देर हो जाए, या इस बीच में उसकी कंडीशन डिटेरियरेट नहीं हो सके। ऐसे समय में सर्जन की फर्स्ट ड्यूटी है कि वो पेशेंट की इमरजेंसी को देखते हुए, टाइम का ध्यान रखते हुए, बहुत जल्दी से अपने आप के हाथों को साफ करके उसको अटेंड करे, ऑपरेशन करे, जो रिक्वायर्ड सर्जरी है वो करे। आज के दिन हमारे समाज की भी यही स्थिति है, चाहे वो यूरोप है, इंडिया है या वर्ल्ड के कोई भी कंट्री है, हर समाज में आज के दिन स्थिति यूं की यूं ही है। उनका ये कहना था कि मेरा ये विचार सही नहीं है कि पहले मैं मोरल वैल्यूज के एब्सोल्यूट स्टैंडर्ड्स को अचीव करके, अपने आप को परफेक्ट करके, फिर मैं समाज में जाऊं और नैतिक मूल्यों की शिक्षा का प्रचार प्रसार करूं। मोरल वैल्यूज के एब्सोल्यूट स्टैंडर्ड्स को अचीव करना बहुत लंबा रास्ता है और ऐसा समय शायद ना ही आए कि हम वो लेवल अचीव करके फिर समाज को सुधारने की कोशिश करें। उनका ये कहना था कि हमें ये काम अभी शुरू करना होगा, इस मिशन को अभी गति देनी होगी। अपने मोरल वैल्यूज को लगातार निरंतर हायर से हायर लेवल पर ले जाते हुए हमें एक एग्जांपल क्रिएट करना होगा। अपने साथ समाज के सभी लोगों को जोड़ना होगा, मोरल वैल्यूज की शिक्षा देनी होगी, उनको प्रेरित करना होगा, और जो मोरल वैल्यूज को फॉलो करते हैं उनको प्रोत्साहन देना होगा। आज के समाज की हालत को देखते हुए मैं ये मानता हूँ कि आप सबको भगवान कृष्ण जैसा शिक्षक बनने की जरूरत है। न जाने जिंदगी के किस मोड़ पर धर्म संकट और असमंजस से घिरा हुआ अर्जुन आपको दिखाई दे जाए और आपको कृष्ण की भांति उसे प्रेरणा देकर, अच्छी शिक्षा देकर कर्तव्य का बोध करवाना हो। भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में, युद्ध क्षेत्र में 144 मिनट में वो ज्ञान दिया जो गीता में बाद में लिखा गया और हजारों साल से हम उसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। वो ज्ञान इतना प्रभावशाली था कि अर्जुन को सारी बात समझ में आ गई, उसको कर्तव्य का बोध हुआ और वो अपना कर्तव्य करने के लिए तत्पर रेडी हो गया। ज्ञान देने से पहले ये सुनिश्चित कर लें कि जिसको आप ज्ञान देना चाह रहे हैं वो सुपात्र है, वो आपको बात सुनने का इच्छुक है, आपकी बातों में इंटरेस्टेड है, और सबसे बड़ी बात उसको आप पर विश्वास है। जो ज्ञान आप दें वो सही हो, सत्य हो, वेरीफाई हो, और उसको देते हुए आपका कोई उसमें स्वार्थ भाव ना हो। ज्ञान दें जो पूर्ण हो, सत्य हो, सत्यापित हो, वरना आप खामोश रहें, ज्ञान गंगा ना बाधित हो। एक और इम्पोर्टेंट बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ। एक टीचर या ट्रेनर को एक अच्छा लिसनर भी होना चाहिए। अपने आप को ज्ञानवान व ज्यादा समझदार मानते हुए हर दूसरे व्यक्ति को समझाना शुरू कर देना, अपने विचारों से अवगत कराना और अपने विचारों पर चलने के लिए बाधित कर देना, ये अच्छी बात, अच्छा तरीका नहीं है। हमें चाहिए कि हमारे सामने जो अर्जुन है, जो सीखना चाहता है, हमें सुनना चाहता है, हमारे से गाइडेंस एडवाइस लेना चाहता है, पहले उसकी बात को सुने, पूरी बात सुने, उसको समझें, उस पर मनन करें, और फिर ऐसे विचार जो प्रासंगिक हों, यूजफुल हों, वही उसको हम बताएं और उसके ऊपर ऑप्शन छोड़ दें कि वो उसको किस रूप में इम्प्लीमेंट करना चाहता है। आज 5000 वर्ष बाद भी भगवान कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए हुआ ज्ञान और शिक्षा और गाइडेंस जो है हम सब के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है, एक मार्गदर्शन है। दूसरों को अच्छी
शिक्षा देने और शिक्षित करने के अलावा दुनिया में कोई भी दूसरा अच्छा पुण्य का काम नहीं हो सकता। आओ आप और हम सब मिलकर समाज में तकनीकी, सामाजिक व नैतिक मूल्यों की शिक्षा की गंगा बहा दें। जय मां भारती।